धमतरी में पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर साहू ने पीएम गरीब कल्याण योजना के चावल वितरण में 1500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लाखों टन चावल खाने के आरोप के साथ ही इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंद्रशेखर साहू ने बताया है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र से हर महीने 1,385 टन अतिरिक्त आवंटित किया जाता है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति महीने के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने लाभ मिलना था, लेकिन अब इसमें से मुश्किल से 1/3 लोगों को ये लाभ पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीबन 1.5 करोड़ गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है। गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक प्रकार से संजीवनी है। अब उसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कहीं न कहीं घोटाले किया है, इसी की जांच की बात कर रहे हैं हम लोग। गरीबों को निवाला छीलने वाली सरकार को निश्चित रूप से इस मामले में जवाबदेही बनती है, उसको जवाब देना चाहिए, जनता से माफी मांगे वो।